नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे में अपनी किस्मत का रफ्तार अचानक देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सालों बाद आपकी कुंडली में ऐसा योग बनने जा रहा है जो कि दोस्तों देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह अब आपके कुंडली के नवम भाव यानी कि सबसे शुभ भाव में होने जा रही है, जिस कारण से आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है जिससे एक झटके में आपकी किस्मत बदलती हुई दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, और आपकी किस्मत अचानक रफ्तार देखकर दुश्मन भी तारीफ करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे वीडियो में बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में आपकी किस्मत अचानक घोड़े से भी तेज रफ्तार दौड़ेगी। दोस्तों, ऐसा परिवर्तन आपके जीवन काल में होगा जो कि आपके पड़ोसी और आपके दुश्मन भी देखकर जलने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके शब की तरक्की देखकर यह दुनिया जल उठेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके कैरियर के क्षेत्र से लेकर शिक्षा और बिजनेस के क्षेत्र तथा दाम्पत्य जीवन की आने वाले अगले 24 घंटे की समस्त जानकारियां देंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ के जो भी सच्चे भक्त सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय बाबा भोलेनाथ लिखेगा, उन्हें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ गुरु जी का भी असीम कृपा प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, किस्मत आज आपका 91% साथ देने वाला है। अगले 24 घंटे में आपके कैरियर बिजनेस में महापरिवर्तन होता हुआ दिखाई देने वाला है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, अब उन्हें ग्रोथ करने के लिए स्विच करने की आवश्यकता है, और जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें सबसे पहले उनका फंसा हुआ धन आज मिलेगा और उन्हें आज व्यापार में भी अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। और दोस्तों, बात करें उन लोगों को जो मार्केट में घूमने के काम करते हैं, तो उन्हें आने वाले समय में ऐसा धन कमाने का जो है नए नए आइडियाज, नए नए तरीके हाथ लगने वाले हैं, जिससे वह अपने जीवन को एक नए बेहतर जीवन बना सकते हैं। नौकरी एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ व्यवस्था एवं तकनीकी से विशेष पदोन्नति प्राप्त होती हुई अचानक से दिखाई देने वाली है। नौकरी पेशा लोग अपने जीवन में तरक्की के मार्ग प्रस्त होता हुआ देख पाएंगे, जो कि समय अभी उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कहा जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात हम आप सभी को बता दें, अपने प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि इसी से आप हर एक परिस्थिति में खुश रह पाएंगे, और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो कहीं ना कहीं समय के साथ चलता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए आप अपनी इच्छाओं का बलिदान ना करें, जो आपको अच्छा लगे वही करें, क्योंकि आप लोगों के प्रति कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन लास्ट में आपको गलत बोल ही देंगे। इसलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सेल्फिश बनना होगा और अपने जो है काम से मतलब रखना होगा, इसी से आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको यह सोचने में कुछ समस्या हो सकती है कि कहां से शुरू करूं, किस लिए, और पहले देखकर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करना होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, आज आपके जो है तन मन में प्रेम महसूस होगा, और अगर आप अकेले हैं तो मुमकिन है कि कोई आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपको मिले, और संभावना है कि आपको उनसे प्रेम हो जाए, जो कि काफी अहिंसक हो सकता है। परंतु ये आपको याद रखने की जरूरत है कि प्रेम में कभी संयोजक की आवश्यकता होती है, तभी वह अस्थाई और लंबा होता है।
अन्यथा वह एक गुजरा हुआ दौर उनके रह जाता है। प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन जो है बहुत बढ़िया है, प्रेम का आनंद लेने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। अगर आप अकेले हैं तो आज आपको एक ऐसे साथी मिल सकती है जिनका आप लंबे समय से तलाश करते आ रहे हैं। खरीदारी के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, अगर आप कुछ खरीदारी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ज़मीन जायदाद की जो है बिक्री संबंधित कोई काम था तो उन कामों को भी आज इस समय कर सकती हैं। समय अभी बहुत बढ़िया कहा जा सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, देखिए दोस्तों आज आप संसाधनों से पूर्ण हैं और आप एक गंभीर समृद्धता से भी आप करती हैं, तो धन कमाने के ऐसा अवसर आज आपको मिल सकता है जिससे आपको खुशी महसूस होती है। इस बात की भी संभावना है कि आप कला की अभिरुचि को भी आगे बढ़ाने के लिए अपनी नौकरी को भी छोड़ सकती हैं। आपको विवेक से कार्य करना होगा, परंतु अपने दिल की सुनने की वजह से आपके धन और वित्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और आपको उन ऊंचाइयों तक, उन मंजिलों की तक पहुंचना है जिसका आप सपना देख रहे हैं। उनके लिए आपके रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं भी आएगी, कई प्रकार की मुश्किलें भी आएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अधिकतर लोग यही छोटी मोटी बाधाओं से डर जाते हैं और अपने लक्ष्य को भी छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, निरंतर आगे बढ़ना है और मेहनत करते रहना है, क्योंकि दोस्तों मेहनत का फल एक ना एक दिन उन्हें जरूर मिलता है और आपको भी जरूर मिलेगा। देखिए दोस्तों सितारे कहते हैं आज आपका ध्यान भटकने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादन की गतिविधियों में लिप्त रहेगा, लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर आज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंताएं हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता जाएगा कि आपकी कार्य प्रणाली में दिनचर्या में एक दीर्घकालीन प्रभाव का भी जो है डाल सकता है। आपको बस थोड़ा सा शांत रहना होगा और सभी पहलुओं के बारे में सोचना होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। बिना सोचे समझे कहीं पर भी आप ऐसा कदम ना रखें जिनको आपको बाद में पछताना पड़े। आप उस कामों को सबसे पहले करने की कोशिश करें जो कार्य आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कार्य आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर अभी आपके पक्ष में है। आपको बस कामों में हाथ डालने की ज़रूरत है। जो भी काम आज आप अपने हाथ में लेंगे वह काम पूरा करके ही छोड़ेंगे, ऐसा ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। बस आपको कामों से पीछे नहीं हटना है और निरंतर प्रयास करते रहना है, सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों अगर जानकारियां अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अपना कीमती वक्त देने के लिए और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।